अच्छा, uh, माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर माननीय अध्यक्ष महोदय मैं देख रहा हूं कि कि वर्तमान सरकार का एक काम करने का एक ये तरीका है वजिद होकर के जिद करना और और जिद भी बालक की तरह करना बच्चा बाजार में से जाता है खिलौने की दुकान उसको दिखती है तो तो जीत करके खिलौना लेने के लिए वो कहता है जब उसके पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं कि नहीं ये खिलौना तो सड़क पर लेट जाता है तो ऐसी स्थिति हमारी सरकार की है बनी हुई चीज के लिए ऐसा सोच रहा नया बनाओ बड़ा बनाओ अच्छा बनाओ भव्य बनाओ लेकिन बनी हुई चीज को बर्बाद करना मैं तो बर्बाद ही शब्द कहूंगा इसको यह अच्छी बात नहीं है और सही मायने में यह बहुत बड़ी एक त्रुटि रह गई है बहुत बड़ी गलती रह गई है ये यूनिवर्सिटी की लैंड यूनिवर्सिटी के नाम होनी चाहिए थी ये सरकार के नाम पर रखनी नहीं चाहिए थी यही तो यही तो आप पता कर लेना जरा यही तो यही तो दिक्कत है तभी तो इस कुछ इस डिपार्टमेंट को आप थोड़ा वेरीफाई कर लेना मुझे बता देना अध्यक्ष महोदय हमने भी धर्मशाला में एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की थी जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए थे निश्चित रूप से धर्मशाला पालमपुर ये ऐसा इलाका है एक टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल वहाँ पर है और बहुत सारे लोग जो बाहर से आए थे वो भी इस बात को कह रहे थे घूमने फिरने के बाद कि हमको यहाँ जमीन दीजिए यहाँ जमीन दीजिए ये यूनिवर्सिटी वाला प्रस्ताव पहली बार नहीं ये कई बार हमारे सामने भी कई लोगों ने लग ने हमने दो टुक शब्दों में मना किया था आपकी जानकारी के लिए अब मेरे पास अगर वो कागज होंगे तो मैं बताऊं मैं बताऊंगा मैं कोशिश करूंगा आग्रह किया था यहां दी जाए यहां दी जाए लेकिन आप दूसरी जगह क्यों नहीं तलाशते जमीन आपके पास उपलब्ध है वहां पर लेकिन यूनिवर्सिटी की ही जमीन की। और दूसरी बात अध्यक्ष बोलता सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दोनों दोनों चीजें टूरिज्म विलेज और यूनिवर्सिटी बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ कहीं भी कनेक्ट नहीं होते हैं कॉन्ट्राडिक्टी है बहुत कॉन्ट्राडिक्ट्री है यूनिवर्सिटी में एक एटमोस्फियर चाहिए आपको पढ़ने के लिए एक माहौल चाहिए और उस कैंपस में दूसरी कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए ताकि बच्चे वहां रिसर्च कर सके पढ़ाई कर सके और उसके बाद जो है देश दुनिया में अच्छा काम कर सके और उसी में ही टूरिज्म विलेज अगर बनाने की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से एक्टिविटीज क्या होंगी वहां टूरिस्ट आएगा वो अपने आनंद के लिए आएगा उसे म्यूजिक भी चाहिए संगीत भी चाहिए उसके घूमने फिरने के लिए जगह भी चाहिए उसके लिए उसका जो है अपना जीवन का जो टूरिस्ट पैसा दे करके खर्च करने के लिए आता है वो अपने अपने स्टाइल से रह, रहता है वहां उसका खाना पीना रहना सब कुछ अलग तरह का होता क्योंकि वो टूरिस्ट के नाते आया होता है घूमने आया होता है और एजुकेशन कैंपस के साथ इसका कैसे आप तालमेल बनाएंगे बनता ही नहीं बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है और इसलिए इस बात को तो सोचना ही पाप है मैं कह रहा हूं और पाप ही नहीं घोर पाप है ये जो होने जा रहे हैं और दूसरी बात जहां ऑप्शन दे रहे हैं हम थोड़ी विरोध कर रहे हैं टूरिज्म को तो हम अभिनंदन मैं इस बात को लेकर के इस बात का पक्ष दे रहा हूं कि बहुत बड़ा पोटेंशियल टूरिज्म का हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है पर्टिकुलर पालमपुर में धर्मशाला में जितना भी आप कर सकते हैं टूरिज्म के लिए वो करना चाहिए लेकिन यही करना है यही करना है अभी करना है आज ही करना है इस जिद को ठीक नहीं मानता मैं ये नुकसानदायक है और एजुकेशन खासतौर से हम तो हम तो छोटा सा एक यूनिट हमने दिया था तो यहां नारे लगे थे पूरे कि बेच दिया बेच दिया हिमाचल पूरा बेच दिया सज करके जुलूस निकाल करके बाहर निकल गए थे यहाँ से सदन से जबकि हमने कुछ भी नहीं बेचा और ये तो ये तो सीधी सीधी बात है किसी जो 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 लोग आएंगे बाहर से आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे और शायद मुझे लगता है कि पता नहीं देश के भी होंगे या नहीं होंगे या देश के के बाहर के लोगों को बेच रहे हैं ये तो और भी चिंता का विषय है इसलिए अध्यक्ष महोदय ये बिल्कुल ये चीज बिल्कुल करने लायक नहीं है। आप अच्छी जगह तलाश करिए यहां पर माननीय हमारे विपिन परमार जी जी सुझाव दे रहे थे कमल जीत का इनका जिक्र किया तीन हजार कनाल के लगभग वहां पर जमीन उनके पास है आप उसको वर्कआउट करिए अगर वो जमीन आपको लगती उचित लगी अच्छा टूरिज्म का वहां पर बनाइए जो बनाना है हम भी आएंगे फिर वहां पर थोड़ा थ, अगर आप वहां पर बना करके तैयार करते हैं हॉलीडे करने के लिए हाँ हॉलीडे का नहीं विधानसभा का सेशन होता तो एक एक, एक आध दिन घूमने के लिए हम भी जा सकते हैं वहां पर ना हफ्ता पर रह लेंगे पूरा लेकिन यूनिवर्सिटी के कैंपस के में उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका वेटनरी कॉलेज वहां पर है प्राकृतिक खेती के लिए हमने जो प्रोजेक्ट शुरू किया वो भी बर्बाद होगा अब अब यहां पर मैं तो माननीय विधायक पालमपुर जी की बात से थोड़ा हैरान हो रहा था अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में होता तो मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस को हाथ नहीं उंगली हाथ क्या उंगली नहीं ऐसा बिंद करने देता और ये बोल रहे थे ये बिल्कुल जस्टिफाइड है और ये करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए पीढ़ियां नहीं माफ करेंगी आप आप अच्छी जगह ढूंढो बढ़िया जगह ढूंढो मदद करो मुख्यमंत्री जी की और जानू जी की भी खास तौर से ये सारा सब मिलकर के चाह रहे हैं कि टूरिज्म होना चाहिए हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं लेकिन अच्छी जगह ढूंढो लेकिन कैंपस को बर्बाद मत करिए बनी हुई चीज को बर्बाद करना ये ये बहुत गलत सोच है इसलिए इस जिद से बाहर निकलो अच्छा रहेगा और ये एक एक बहुत लंबा लंबा एक संदेश बहुत लंबे समय तक संदेश जाएगा कि अगर आपने इस जमीन को इस प्रकार से टूरिज्म के लिए दे दिया और प्राइवेट जो लोग जो इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं देश के हैं कि विदेश के हैं मुझे नहीं मालूम और उनके लिए दे दिया तो ये हिमाचल बेचने का बहुत बड़ा पाप जो है अपने कल जो माथे पर लगेगा इससे बचिए मेरा यही कहना है और मैं उम्मीद करता हूं कि गुड सेंस विल प्रवे, अच्छा सोच आएगी और निश्चित रूप से इस चीज पर बिल्कुल आगे मत रुको यहीं रुक जाइए जितना हो गया हो गया आपका भाव हमने समझ लिया आप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और जगह तलाशिए और उसमें इस जगह को बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए यह मेरा अध्यक्ष महोदय निवेदन है